भाई नहावा तो मैं लिया, बस बाल बाल बहूंगा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फटाफट से बाल भालू यार, फिर आज तो टाइम हो गया, 3 बज गए। करेंसी चेंज करा के लिया, मैं करेंसी चेंज नहीं मतलब जो फटे हुए नोट थे वो आज चेंज करा के लिया, उस दिन से चेंज ही नहीं हुए। फिर आज महाना कोई चैलेंज करने के लिए कह रही है, तो वो आज चैलेंज करते हैं, देखते हैं। गोलगप्पा चैलेंज कह रही है, तुम तो खुद ही गोलगप्पा हो, खाया तो तुम बजाएगा नहीं, तो देखते हैं ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे चैलेंज कंप्लीट। और फटाफट से पहले मैं बाल भालू और फिर नोट चेंज कराने चले बच्चा, जल्दी जल्दी से ना। हाँ। यार मैं अभी नहा के निकला हूँ, यहाँ से स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, और मैंने बंद भी कर दिया था, बहुत ज़्यादा स्मेल होगी, इसे निकाल ही देता हूँ और ये लगा देता हूँ। मुझे लग रहा है मैं सही टाइम पर निकल दे, क्योंकि कुछ हाथ बहुत गंदी स्मेल आ रही है, एग्जॉस्ट चला के छोड़ देता हूँ पूरे घर के ना, क्योंकि अंदर तक स्मेल आ रही है। अभी भी आ रही है स्मेल, कम हो गई, एग्जॉस्ट चला दी मैंने, चल अंदर आजा बेटा। पता नहीं क्यों यार सिलेंडर में या तो वॉल वाल इसका वो होगा, लीक वीक कर रहा होगा, वॉल में दिक्कत होगी या फिर पता नहीं क्या दिक्कत है, देखते हैं, इसे चेक करा देंगे आज, इसे चल चलेंगे। तो भाई बैंक तो आ गए थे, मेरे साथ है ऋषभ, मेरे एक दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो जा रहे चेंज कराने, कैसे तो अंदर तो अलाउ करेंगे नहीं, तो इसलिए भाई यहीं पे कट कर रहा हूँ वीडियो। तो भाई अपना काम तो हो गया था, अब जा रहे घर, चलो अब घर। स्कूल वाले कनेक्टिविटी का इशू हाँ। तो भाई अभी जा रहे हैं दूसरे कैनरा बैंक, क्योंकि एक चेक था जिसे लगाना था, तो कनेक्टिविटी का इशू है, तो उसकी वजह से अभी दूसरे बैंक जा रहे हैं सूरज कुंड, तो वहाँ जाके उसका फाइनल देखते हैं कि अगर कनेक्टिविटी वहाँ आई होगी तो वहाँ पर चेक करा देंगे। हाँ हाँ, चलो 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 बैठ जा, मतलब तो भाई अभी हम जा रहे हैं, हमारी बाइक भी घर आ गई थी, पापा घर आ गए थे, तो अब हम जा रहे हैं मायरा को ट्यूशन छोड़ने, और हमारे साथ कौन कौन है, एक अहर है हमारे साथ, एक मायरा है, तो अभी जा रहे हैं भाई मयंक आ गया, और अभी हम जा रहे हैं शीशे वाले गुरुद्वारा। मैं से कह रहा हूँ मजदूर को, मजदूर मालिक है वो। यार एक तो पूरे तो टोक्यो में इतना कड़ा प्रोग्राम हो रहा हुआ, गाड़ी गाड़ी तो जाना, शादी भी धमीजे लग रहा, शादी की वजह से है ये जाम इतना, एक तो टोक्यो में। हाँ तो भाई अभी जा रहे हैं घर वापसी तीनों के तीनों, क्योंकि आंसू भी आ गया अगर हमारे साथ, आंसू भी आ गया हमारे साथ, और तीनों भाई को बाइक पे बैठती लगी ठंड, तो इसलिए वापस जा रहे हैं। अब पहनेंगे पहले जूते और जैकेट अपनी अपनी, फिर जाएंगे वापस। अब पूरे शहर में आज लग रहा है जाम, जाम का रीज़न पता नहीं, जाम का रीज़न ये रहा। अच्छा हाँ, एक तो ये अवैध निर्माण चल रहा है ना, अवैध नहीं, अवैध पार्किंग। किसके चक्कर में आया था? ये जूते पहनने नहीं आया मैं भाई, ये जूते पहनने नहीं आया, ये तो किसी को देख के वापस आया। जूते पहनने आया हूँ मेरे भाई, मैं भाई भाई सब रिकॉर्ड है इसमें, सब रिकॉर्ड है। मयंक के रिएक्शन चेंज होने वाले, क्यों चेंज होने वाला है ये देखना। हाँ मयंक क्या कह रहा है, कौन बाइक की तो ये कौन सी, ये बाइक नहीं है, मुझे पता था मयंक के रिएक्शन चेंज होने वाले। तो भाई अब जा रहे हैं फाइनली रेडियो के, मैं तूने जैकेट नहीं डाली, अच्छा तू तो किसी और बस आया था ना। तो हम जा रहे हैं तीनों भाई, अब तैयार हो गए, आंसू ने जैकेट डाल ली, मैंने भी डाल ली, जैकेट ने तो पहन रखे, शूज तीनों ने पहन लिया, नहीं आंसू के रह गए, तो आंसू के शूज और लेने पहनने मतलब।
तो भाई अभी मरते मरते बचे तीनों भाई, और वो जा रहा है तीन तीन चार चार जनों को लेकर, ध्यान दे नहीं रहा किधर जाना किधर नहीं, बच्चों को ले जाना अभी ना। तो भाई सेफ्टी से चलाओ ना, आजू बाजू देख के। तो भाई अभी आ गए थे बेगमपुल, बेगमपुल से अब जाएंगे, यहाँ से डेढ़ दो किलोमीटर रहेंगे कांची गुरुद्वारा। तो बस फटाफट से पहुँचते हैं। ज्यादा नुकसान देता सामने में, तो अब आ गए थे भाई हनुमान चौराहे पे। हनुमान चौराहे से अब होना है लेफ्ट, यहाँ से बस सीधा सीधा जाना है, थोड़ी देर में पहुंचेगा। तो भाई आ गए गुरुद्वारा, ये रहा सामने पार्किंग में लगा था मतलब भाई, और आंसू पैर फंस गया। तो भाई ये है गुरुद्वारा, अब अंदर चलते हैं। हाँ सेरे सुनाई गुरुद्वारा भाई, उधर यहाँ शूज उतारने के लिए है, कोई भी लेदर वेदर की चीज हो तो यहाँ से उतारना है। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, ये शीशे लग गुरुद्वारा अपने भाई ने बांध दिया, मैंग नहीं मैंने भी, और ये रहा मेरा। तो फटाफट चलते अंदर गुरुद्वारा के। हबीबी लग रहे हैं तो। हबीबी बनने चला कभी? अल्लाह हबीबी हबीबी। ये है गुरुद्वारा हमारा, ये मेरठ का फेमस गुरुद्वारा। बेटा पढ़ ले क्या लिखा है गुरुद्वारा के अंदर, फोटो खींचना मना है। सर तो दर्शन कर कर अब पहनना शूज, मैंने तो पहन ली जल्दी से, ये दोनों रह गए लेट लतीफ। एक तो ये लेट लतीफ, ऊपर से आंसू की तबीयत खराब, आंसू साथ नहीं छोड़ रहा, पर भाई ये देख ले घर पे ज्यादा पड़ा रहूंगा तो ये बीमार होगा। हाँ ये भी है, बाहर निकल जाएगा थोड़ी सी आवाज लगेगी कुछ, प्रभु का नाम लो तो बढ़िया। हाँ तो भाई अब वापस निकल रहे घर, तो एक बार वो दर्शन कर लो गुरुद्वारा जी, बस अब चल रहे घर। बाय बाय बाय। तो भाई आंसू कुछ छोड़ दिया, अब जा रहे घर फिर यहाँ से। मौसम हो रहा ठंडा, घर जाके शादी में जाना भाई, मौसम हो रहा ठंडा। तो पापा बैठे हैं, पापा को मैंने कहा था कि पापा वेट कर लो मैं आ रहा हूँ। पापा किसके साथ बैठे हैं? पापा मम्मी के साथ ही बैठे हैं। कितना शरीर सख्त है, बीवी से प्यार करता है। कितना शरीर सख्त है, बीवी से प्यार करता है। और मेन बात तो यह है अपनी से प्यार करता है। फिर मैं कुछ छोड़ के फिर घर चलते, फिर तैयार होना, फिर रेडी होके फिर शादी में निकल जाओ। अभी भाभी की लग गई बोल, मैंने मार दी गलती से, मतलब गलती से मैं माथे में मार रहा था, इनकी आँख पर लग गई। ये मुझे परेशान करते, मेरा पति है यहाँ पे। ए यार भाभी कहीं भी ना लगी तुम्हारे, मजाक कर रही हो तुम भी, मजाक कर रही हो। चलो दीदी चलिए अंडे खाने। ये आग बुट गई, पर हंस दी, हंसना नहीं छोड़ रही। पाव भाजी ना अंडे के नाम पे, अंडे की हरी चटनी के साथ ना माना मिल गया। चलो तुम भी चलो, और क्या चल रहे, अरे चल ले आओ, आ जाएंगे थोड़ी देर में। पाव भाजी का बहू को तो कहीं जानी मत दियो, ना ससुराल ना अपने, मतलब ससुराल कहीं पियर ना पियर जान दियो, ना इसके पति के पास जान दियो, यही रखियो। पति बेचारा दुखे,
पति हर दूसरे दिन मेरे पेट में दर्द हो रहा, नू नहीं समझ मारी, नू नहीं समझ मारी, मेरा घर वाले मैं कहा बुला रहा कितनी खुशी खुशी यार रोने वाली है पति के नाम पे। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दिख रही है यार, ऐसे मत करो वीडियो के चलते रोने लग गई भाभी, ऐसे नहीं करो है, देखो भाभी आग तो दिखाओ खोल के एक बार, ये ली ऐसे ऐसे से, ये थोड़ी थी लगी नहीं बोलते लगी है, पता ही होगी ना टट्टी की है, ये इस लाके बैठे तक लुटाएगा, देखो बेटा टट्टी की है नहीं, आप क्यों खा रहे हो डॉगी की टट्टी की रोटी है, बाबू टट्टी की है, वो बाबू टट्टी की है, नुगा मम्मी से कह रहा तुम देखो मैं खाऊंगा जो ऐसे करता उसका मुंह ऐसे हो जाता है बर्गर कब खाया यार भाभी? मैंने बर्गर खाया पर फिर भूख मुझे नहीं लगी, मैंने घर की दाल खा ली। वो यार मतलब मैं एक साल में एक बर्गर खा लिया तो नुके हां यही वाला मुंह जाएगा तुम्हारा। क्या हाल है भाई, सब ठीक हो? तो भाई अब बस लोग एडिट कर रहा था तो अब सोने वाला था, सोचा आपको एक चीज बोल दूं यार, कभी आप हमारी बात से ऑफेंड ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, कोई बात हमारी बुरी ना लग जाए, वो ये कि हम मजा हंसी मजाक जो करते रहते हैं तो वो सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए करते हैं जो भी बोलते हैं, और अभी टाइम भी बहुत हो गया था, 1:32 हो गया, सो भी जाता हूँ, और इसी ब्लॉग को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।